लगभग 100 वर्षों से हजारों परिवार शासन की सुविधाओं से वंचित थे। आजादी के बाद इन लोगों की भी अपेक्षाएं थीं, इन्हें भी शासन की योजनाएं और उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन जाति, क्षेत्र, भाषा या मत और मजहब के आधार पर बांटने वाले राजनीतिक दलों ने कभी इनके बारे में सोचने का प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार ने बनटांगिया गांवों को, मुसहर बस्तियों को, जितने भी ट्राइब्स हैं, चाहे वो थारू ट्राइब्स हो या कोई अन्य भी हो, इन सभी को शासन की 100% योजनाओं से आच्छादित करने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसी क्रम में गोरखपुर के इन 5 बनटांगिया गांवों को शासन की 100% योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आज इसी क्रम में विगत वर्ष इन्हें राजस्व गांव का दर्जा दिया गया, आवास योजना का लाभ, पेंशन योजना का लाभ, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय उपलब्ध कराने की योजना, जमीनों के पट्टे उपलब्ध कराने की कार्रवाई, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, बिजली, ये सारी कार्रवाई युद्ध स्तर पर यहाँ देना प्रारंभ हुआ है। स्वाभाविक रूप से 100 वर्षों से इनकी 4 पीढ़ियाँ चली गई, शासन की योजनाओं से लोग वंचित थे, आज इन्हें शासन की योजना से लाभान्वित किया गया। सही मायने में दीपावली उनके जीवन में पहली बार देखने को मिल रही है, और इसलिए मैं पिछले 12-14 वर्षों से इनके बीच में आता रहा हूं, और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसमें ज़्यादातर लोग शासन की योजनाओं से आच्छादित हो चुके हैं। जो बचे हैं वो प्रक्रिया के हिस्से हैं, उसको आगे बढ़ा करके समयबद्ध ढंग से उन्हें भी हम शासन की सभी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराएंगे। अब वह भी ये महसूस कर पाएगा कि मैं भी भारत का नागरिक हूँ और मुझे भी शासन की योजनाओं से लाभ मिला है, इसलिए इन योजनाओं के बारे में निरीक्षण करने के साथ ही दीपावली की खुशी उनके साथ बांटने और उनको दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया। मैं अयोध्या का नाम घोषित किया, आपने आह्वान किया कि 6 दिसंबर अगर मंदिर का निर्माण ठीक से शुरू हुआ तो 6 दिसंबर को बांधने वाली स्थिति पैदा हो गई। देखिए कल सभी संत, पूज्य संतगण दीपोत्सव के मंच पर थे। केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों से सभी संतगण संतुष्ट हैं, और हम लोगों का ये मानना है कि अयोध्या का विकास अयोध्या की भावनाओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। अयोध्या का समग्र विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास है कि अयोध्या एक विश्व स्तरीय नगरी है, देश और दुनिया जिस नाम से जानती थी उसी नाम पर उस जनपद का नाम भी हो, ये हमने किया है। विकास की ढेर सारी योजनाएं हम लोगों ने वहाँ के लिए उपलब्ध कराई हैं, बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, कुछ शिलान्यास हुआ है, कुछ अभी पाइपलाइन में है जिसको हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। देश की भावनाओं के साथ हमारी भी भावनाएं हैं, और संवैधानिक दायरे में रह करके से राम जन्मभूमि से जुड़े हुए मामले का समाधान हम लोग करना चाहते हैं, और मुझे लगता है यथाशीघ्र इस समस्या का समाधान होगा। देखिए कल सभी संत, पूज्य संतगण दीपोत्सव के मंच पर थे। केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों से सभी संतगण संतुष्ट हैं, और हम लोगों का ये मानना है
कि अयोध्या का विकास अयोध्या की भावनाओं के अनुरूप किया जाना चाहिए, अयोध्या का समग्र विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास है कि अयोध्या एक विश्वस्तरीय नगरी है, देश और दुनिया जिस नाम से जानती थी उसी नाम पर उस जनपद का नाम भी हो, ये हमने किया है। विकास की ढेर सारी योजनाएं हम लोगों ने वहाँ के लिए उपलब्ध कराई हैं, बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, कुछ शिलान्यास हुआ है, कुछ अभी पाइपलाइन में है जिसको हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। देश की भावनाओं के साथ हमारी भी भावनाएं हैं और संवैधानिक दायरे में रह करके श्री राम जन्मभूमि से जुड़े हुए मामले का समाधान हम लोग करना चाहते हैं और मुझे लगता है यथाशीघ्र इस समस्या का समाधान होगा।